मुजफ्फरनगर के जनपद बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को सूचना मिलने पर जंगलों में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि ज्वाला व पारासौली मार्ग के जंगलों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध हथियार फैक्ट्री चल रही है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक आरोपी सहित अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने शातिर हथियार बनाने वाले व्यक्ति फरमान निवासी मंदवाड़ा मुजफ्फरनगर से पूछताछ करने के बाद उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। मौके से पुलिस ने 9 तमंचे, 2 मस्कट और 13 अधभने तमंचों के साथ भारी मात्रा में उपकरण हथियार बनाने के बरामद किए हैं। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए अपराध और अपराधियों पर के नियंत्रण हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत आज क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना श्री विनय गौतम के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर बुढ़ाना की टीम ने आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें तमंचा बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें बहुत सारे सामान पकड़े गए हैं, 9 तमंचे बने हुए पकड़े गए हैं, 3 मस्कट है और 13 अधबनी हुई तमंचे मिले हुए हैं। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये कितने दिन से ये तमंचे इस तरह के बना रहा था और कहां कहां पे बेचा जा रहा था, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और अब तक किन किन लोगों को बेच चुका है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ये अभी बना करके विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करने के लिए बना रहा था और इसी के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि अब तक ये कहाँ तक सप्लाई किया है और किन लोगों को सप्लाई किया। जिन लोगों को भी सप्लाई किया उनको भी, उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी करके उनको भी पकड़ने की व्यवस्था की जा रही है। निश्चित रूप से जुड़ा हो सकता है, इसीलिए इनको पकड़ा गया और विस्तृत पूछताछ जारी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।